हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब पे जब आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपके यूट्यूब चैनल के लिए। देखो, यूट्यूब चैनल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब हैंडल कहाँ से करते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग की थी, लगभग मुझे एक महीने बाद पता चला था कि यूट्यूब हैंडल कहाँ से करते हैं। मैं डायरेक्ट वीडियोज़ अपलोड करता था, मैं कुछ देखता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था एनालिटिक्स क्या होते हैं, यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखते कहाँ से हैं, मोनेटाइजेशन वगैरह के बारे में, मोबाइल में कहाँ से देखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में। आप वीडियो पूरी देखना, आपको सारी चीज़ें एक एक करके पता चल जाएंगी। और जो इस तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि अभी मैं फ़ोन पे एडिटिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्यों कर नहीं सकता अभी तक, क्योंकि मेरे पास एडोब प्रीमियर प्रो मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर ख़राब हो गया था उस वजह से। तो आज ही मैंने अपना एडोब प्रीमियर प्रो ऑन किया है, अभी पता नहीं क्या ग्लिच थे तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप बस आज के लिए ये चीज़ सहन कर लीजिए, लेकिन कल से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सारी चीज़ें सही से वीडियोस आएंगी, सही से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बस यहाँ पे मेरी डेली वीडियोस का टारगेट है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ और आपको जो भी जानकारी दे सकता हूँ, जो भी अपडेट दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी रहता है, वो रहता है क्रिएटर स्टूडियो, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये रहता है क्रिएटर स्टूडियो जो मैंने अभी ओपन किया। इस तरीके का कुछ होता है, ये चीज़ आप जाके अलग से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो भी चैनल होगा यूट्यूब पे, वो यहाँ पे आप उसी ईमेल आईडी से, यहाँ पे ऊपर देखिए ईमेल आईडीज वाले पे, यहाँ पे जैसे मेरे इतने सारे चैनल्स को देखो, अभी इतने सारे चैनल्स को ये हैंडल करता है अकेला ही। तो यहाँ पर ये अकेला आपके कितने भी चैनल हो एक मोबाइल में, उन सभी को हैंडल कर सकता है, इसकी ये पावर है। और इसी में आप सारे अपने एनालिटिक्स, अब वो सारी चीज़ें कहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको नीचे चार पाँच ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, एनालिटिक्स, कमेंट और अर्न। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको जो भी वीडियोस आप रिसेंटली डालते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, 2 से 3 वीडियोस दिखाई देती रहती हैं, इनके बारे में जो लास्ट वीडियो डालते हैं उसके बारे में पता चलता है, व्यूज़ कितने आए, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या रहा है, एवरेज व्यूज़ क्या रहा है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर्स वगैरह अपने पता चल जाते हैं, व्यूज़ पता चल जाते हैं लास्ट 20 डेज़ के, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब आप कॉन्टेंट में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अपनी पुरानी सारी वीडियोज़ दिखाई देती हैं, यहाँ वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव प्लेलिस्ट। अब मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मेरी ये बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे वीडियोस देखनी तो इस फुल वीडियोस रहती हैं, वो यहाँ पे दिखाई देती हैं, और लाइव देखना है तो यहाँ पर, चूँकि मैंने अभी तक आज तक ये किया नहीं है तो लाइव यहाँ पर है नहीं, प्लेलिस्ट मेरी बनी नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ें करता हूँ वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप यहाँ से वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, उसे करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आप अपने वीडियोज़ को भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना सर्च वगैरह कर सकते हैं, कौन सी वीडियो आप लोग देखनी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपको यहाँ पे अपनी वीडियोस में नहीं मिल रही है, कभी पुरानी डाली, आपको टाइटल याद है लेकिन मिल नहीं रही, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, जो भी आपके पास कमेंट वगैरह आती हैं या फिर नोटिफिकेशन कोई भी यूट्यूब की तरफ से आता है, वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा अगर आपके और भी यूट्यूब चैनल्स हैं तो यहाँ से आप उन्हें अलग अलग कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी आप चूज़ करेंगे, जैसे मैं ये वाली कहता हूँ एलन मिश्रा ब्लॉग्स, तो यहाँ पर ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं फिर से उसी पे चलता हूँ, यहाँ पे चलते हैं स्काउट एलन वाले पे। तो यहाँ पे अभी मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, फिर भी मेरे 2 सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हो गए, पता नहीं कैसे 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे अभी लास्ट कुछ दिनों से, क्योंकि वीडियो सही से नहीं आ पा रही हैं। एक ही वीडियो आ पाती है, वो भी कुछ सही से एडिट नहीं होती, कुछ भी नहीं हो पाता। पर जो भी आप लोग देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली वीडियो बस 97 व्यूज़ आए, फिर उससे के बाद 17 व्यूज़ आए, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अभी वीडियोज़ उस लेवल की अच्छी नहीं हो पा रही हैं, थंबनेल वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं बनाई जा रही हैं। उसके अलावा आप देखिए, आप चलते हैं फिर एनालिटिक्स में, अर्न में डायरेक्ट पहुंच गए, अब चलते हैं एनालिटिक्स में। अब एनालिटिक्स में आपको यहाँ पे व्यूज़ दिखाता है, यहाँ पे देखो व्यूज़ दिखाता है, उसके बाद वॉच टाइम दिखाता है, सब्सक्राइबर्स दिखाता है, जो कि अभी घट गए हैं, पहले मेरे तेज़ी से बढ़ रहे थे लेकिन एकदम से इतने दिन के लिए चैनल बंद हो गया तो व्यूज़ थोड़े, सब्सक्राइबर्स घट गए, घटे नहीं मतलब बढ़ना कम हो गए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, ओवरव्यू, कॉन्टैक्ट, ऑडियंस, 82,000 इंप्रेशन का, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब आपको जो भी बताता है, जो भी चीज़ें यूट्यूब पर सर्च की रही, कैसे करेंगे, यूट्यूब सर्च से आपके 40% व्यूज़ आए, ब्राउज़र से आए 33%, इन सारी चीज़ों से भी आपको पता चलता है। यहाँ पर कौन सी वीडियोज़ मेरी सर्च में चल रही है, जैसे MIX सीरीज वाली टी वी मेरे 10,000 व्यूज़ हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है, और क्या क्या चीज़ें सर्च की जा रही हैं उससे रिलेटेड, वो भी सारी चीज़ें यूट्यूब बताता है यहाँ पर। अब नीचे जो भी मेरी टॉप वीडियोज़ हैं तो वो वीडियोज़ दिखाई दे रही हैं, वो दिखाई जा रही है, जो भी सबसे ज़्यादा देखी गई, सबसे ज़्यादा मतलब उन्हें कट नहीं किया गया, वो सारी चीज़ वीडियोज़ हैं। उसके अलावा आप चलते हैं कमेंट में, तो यहाँ पे आप, मैंने जो भी सभी पे रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये सारी कमेंट्स रहती हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अर्न में, अर्न में आपका कुछ इस तरीके का सेक्शन रहता है, ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ आज ही
जी साइज अपडेट हुई, यहाँ पे कलर आने लगे। पहले इन पे कोई कलर नहीं आता था, नॉर्मल आते थे, इनमें यहाँ पे आज कलर आने लगे। और यहाँ पे इन पे रहता है कि यहाँ से आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड पता चलता है। ये सबसे मेन बात है कि आपको मोनेटाइजेशन वाला कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मेरी 104 सब्सक्राइबर ने 1000 हो जाएगा एंड 604 आवर वॉच टाइम है, जो कि 4000 घंटा होने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नीचे आपको शॉर्ट्स के भी व्यूज़ दिखाई देते हैं, 8.5 के व्यूज़ हो चुके हैं मेरे शॉर्ट्स पर, जो कि बढ़ जाएंगे और 10 मिलियन होने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आपकी जो भी ईमेल वीमेल पर मैसेज भेज देते हैं और सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। यहाँ ये मोनेटाइजेशन वाला है, जहाँ पे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पे अर्निंग शो करेगा, उसके बाद आपकी जो भी अर्निंग होगी वो शो करने वाला है। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट आप अपने अगर व्यूज़ देखने चाहते हैं कि लास्ट 365 डेज या लाइफ टाइम में कितने आए, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए एंड यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करके आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 28 डेज, 90 डेज, 365 डेज। तो यहाँ पे 365 डेज देखते हैं मेरे 26,523 बीज, यानी कि मेरी इस पूरी जितने भी दिन मुझे काम करते, क्योंकि मुझे अभी 1 साल हुआ नहीं है, तो जितने भी दिन हुए। यहाँ पे लाइफ टाइम का भी ऑप्शन है, लाइफ टाइम पे चलते हैं तो इतनी 26,503 व्यूज़ ही अभी तक आए हैं टोटल मेरे चैनल पे। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ी सी जो भी चीज़ें हैं मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताना। आज से कंप्यूटर सही हो पाया पता नहीं क्यों, मैं रोज़ कह देता हूँ यहाँ पर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और नेक्स्ट डे वीडियोस सही से नहीं आ पाती हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो सही से वीडियोज़ आने लगेंगी। मैं डेली 7 से 8 वीडियोज़ डालता हूँ, जो कि एकदम कंटिन्यूस फिर से आने लगेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।